नैनीताल में आयुक्त दीपक रावत ने आयुक्त सभागार नैनीताल में वन विभाग वन निगम के द्वारा कार्यों की समीक्षा बैठक की है। समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंडलायुक्त कुमाऊं को पूरी जानकारी दी। आयुक्त ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हरेला पर्व सीजन पर जो प्लांटेशन किया जाए उसे ध्यान में रखा जाए। इसके साथ ही कैंपा योजना, जायका योजना, अमृत सरोवर समेत तमाम योजनाओं को लेकर बातचीत की गई, दिशा निर्देश भी दिए गए। रावत ने संबंधित विभागों को ये भी निर्देश दिए कि आपदा के दृष्टिगत जो पेड़ वन क्षेत्र में इधर उधर लावारिस हालत में पड़े हैं या जिससे जनहानि हो सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया हो तो उसके घर के आसपास कोई पेड़ हो जिससे जनहानि की संभावना है तो ऐसे पेड़ों को तत्काल चिन्हित कर कटान किया जाए। वन विभाग वन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वन संपदा में चोरी आदि की घटनाएं होती है, इसे रोकने के लिए प्लानिंग करना सुनिश्चित करें। इस मौके पर विकास निगम कुमाऊं मंडल जीएम विवेक पांडे, वन विभाग कुमाऊं मंडल सीएफ दीपचंद्र आर्य समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रही।